गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। मतलब क्या स्कोप होता क्या, पहला वर्ड कि स्कोप है क्या। इस वर्ड को नहीं समझोगे टॉपिक समझ में नहीं आएगा। स्कोप मतलब होता है दायरा, ठीक है, बाउंड्री जो बोलते हैं ना वही दायरा। स्कोप मतलब दायरा होता है। ये स्कोप जो वर्ड है राइट्स का टर्म में दायरा का बात करेगा, ठीक है। राइट्स का टर्म में इस वर्ड से रिलेटेड अगर इसका यूज करते हैं तो उसका दायरा का बात करेगा। तो दायरा बढ़ रहा किस चीज का, राइट्स का, है ना। मतलब कि जो आपका मौलिक अधिकार है उसका दायरा कुछ बढ़ा है ना। तो क्या बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है ना, क्या क्या न्यू प्रोग्रेस हुआ है, ये सब इसमें देखेंगे हम लोग, है ना। चलो देखते हैं। We begin this chapter by discussing the significance of rights. In much of the chapter, we have focused only on fundamental rights in the constitutions. You might think that fundamental rights granted by the constitution are the only rights citizen have. ठीक है, ऐसा बात दिमाग में आया होगा कि क्या सिर्फ जो constitution है उस constitution में सिर्फ fundamental rights ही है, जो rights है वो constitution का citizen के लिए, या इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये बात आया होगा, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसमें क्या बस इतना ही राइट्स है हमारे लिए, तो ऐसा नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। हम लोगों के लिए बहुत सारा राइट है, बस राइट्स का एक काइंड है ये कि फंडामेंटल, है ना, कि मौलिक। आप भारत का मिट्टी में जन्म लिए हैं, ठीक है, भारत का मिट्टी पे जन्म लिए हैं, आपको ये राइट्स मिलेगा। और इसके सिवाय और जो अदर राइट्स है वो तो है ही, ठीक है, वो तो है ही आपके लिए, ठीक है। While fundamental rights are the source of all rights, our constitution and law offers a wider range of rights. ठीक है, तो ये क्या है फंडामेंटल राइट्स, क्या ये अदर राइट्स का सोर्स है, ठीक है, और राइट्स आपके लिए इंश्योर हो सके उसके लिए ये राइट्स है, ठीक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफर अ वाइडर रेंज ऑफ राइट्स, हमारा संविधान जो है और कानून है वो बहुत बड़े लेवल पे, बहुत ब्रॉड लेवल पे हम लोगों के लिए राइट्स इंश्योर करता है। एक बात तुम लोग का दिमाग में मैं थोड़ा डालना चाहूंगा कि क्या तुम लोग ये बता सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स आर द सोर्स ऑफ ऑल राइट्स कैसे है। कैन यू जस्टिफाई दिस वर्ड, सॉरी सेंटेंस, कैन यू जस्टिफाई दिस सेंटेंस, फंडामेंटल राइट्स आर द सोर्स ऑफ ऑल राइट्स, एक्सप्लेन हाउ। ठीक है, आपका ये आज का क्वेश्चन है, आज आप लोग इसका आंसर मुझे दोगे, ठीक है, जितना लोग भी देख रहे हो आज आप लोग मुझे इसका आंसर दोगे। क्या दोगे, हाउ फंडामेंटल राइट्स आर द सोर्स ऑफ ऑल राइट्स, एक्सप्लेन। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करके बताना है कि फंडामेंटल राइट्स है वो जो है, फंडामेंटल राइट्स आर द सोर्स ऑफ ऑल राइट्स कैसे है, ठीक है, आप लोग बताओगे मुझे। चलो अब आगे देखते हैं। सम टाइम इट लीड्स टू द एक्सपेंशन इन द लीगल राइट्स दैट द सिटीजन कैन एंजॉय। फ्रॉम टाइम टू टाइम द कोर्ट्स गेव जजमेंट टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ राइट्स। समय समय पे क्या होता है कि कोर्ट का आदेश आता है ना कि राइट्स का दायरा बढ़ाया जाए। सर्टेन राइट्स लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, लाइक क्या, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आजादी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अगर आपको किसी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं, अरे जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ना आरटीआई, ठीक है, आरटीआई क्या, राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना, यही आरटीआई। एंड राइट टू एजुकेशन आर डिराइव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में और क्या क्या जुड़ा हुआ, राइट्स टू इन्फॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ध्यान में होगा अगर तुम लोग का ये बात तो शायद रिकॉल करो। देखो पहले मैं लेक्चर में बताया था, जब आर्टिकल 19 में पढ़ा रहा था तो वहां पे इस बात का मैं डिस्कशन किया था, जिक्र किया था कि जो प्रेस को राइट मिलता है इस आर्टिकल के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एजुकेशनल राइट्स, दीज ऑल आर द फंडामेंटल राइट्स। नाउ स्कूल एजुकेशन हैज बिकम अ राइट फॉर इंडियन सिटीजन्स। अब क्या है कि स्कूली शिक्षा जो है, ठीक है, वो
राइट्स बन गया है. नाउ स्कूल एजुकेशन हैज बिकम अ राइट फॉर इंडियन सिटीजन. द गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 14 इयर्स. ठीक है, अब इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेवार है कि वो फ्री एजुकेशन सबके लिए मुहैया कराए. ठीक है, कितने उम्र तक के लिए? अप टू 14 इयर्स. ठीक है, पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड अ लॉ गिविंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन टू द सिटीजन्स. दिस एक्ट वॉज मेड अंडर द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम. ठीक है, ये जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन टू द सिटीजन, ये जो एक्ट है, दिस एक्ट वॉज मेड अंडर फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम. है ना, ये जो राइट है RTI, ये किसके अंतर्गत है? फंडामेंटल राइट. ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत. ठीक है, ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ये पढ़े थे ना आर्टिकल 19 यार, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, उसी के अंतर्गत है. वी हैव अ राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेस. रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंडेड द मीनिंग ऑफ द राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू फूड. देखो अब क्या बोलता है कि RTI के बाद, ठीक है, RTI के बाद देख रहे हैं कि RTI आपके पास है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिससे आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं. ठीक है, जो पब्लिक डोमेन में आता हो ऑफिस, उससे आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं. अब फिर क्या बोलता है आगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आगे एक्सपेंड किया है फंडामेंटल राइट को, राइट टू लाइफ जो था आर्टिकल 21, उसमें इंक्लूड किया है राइट टू फूड, कि भोजन सबको मिले, ये मौलिक अधिकार है ना, भोजन सबको मिले वो मौलिक अधिकार है. ठीक है, ऑल्सो राइट्स आर नॉट लिमिटेड ओनली टू फंडामेंटल राइट्स एज इन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात क्या बोल रहा है कि राइट्स आर नॉट लिमिटेड ओनली टू फंडामेंटल राइट्स एज इन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपका पास जो अधिकार है वो अधिकार सीमित नहीं है कि सिर्फ वो फंडामेंटल राइट्स में जो आपका अधिकार सुनिश्चित किया गया है वही अधिकार आपको मिलेगा, ऐसा नहीं, और भी अधिकार है. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मेनी मोर राइट्स विच मे नॉट बी फंडामेंटल राइट्स, बट वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है. ठीक है, राइट्स है लेकिन फंडामेंटल राइट्स नहीं है. फॉर एग्जाम्पल द राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट द फंडामेंटल राइट बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, आपका प्रॉपर्टी हो, ठीक है, उसका अधिकार है. ठीक है, आपका प्रॉपर्टी है, उसका अधिकार हो. ये बात को थोड़ा सा और मैं डिटेल में समझा रहा हूं कि राइट टू प्रॉपर्टी है क्या, क्योंकि ये उधर डिस्कस नहीं किए तो आइडिया तुम लोग को नहीं होगा. जैसे हम सबका एक घर है, ठीक है, एक घर है, तो वो घर किसका प्रॉपर्टी है? क्या गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है? क्या गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है हम सबका घर? नहीं ना, आपका है. तो वो अपना वाला फीलिंग कहाँ से आता है कि नहीं मेरा है, सरकार का नहीं है? वो किस राइट के थ्रू आता? यही राइट के थ्रू, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, ये प्रॉपर्टी आपका है. ठीक है, अगर राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया जाए तो आपका कोई भी प्रॉपर्टी पे कल गवर्नमेंट धावा बोल देगी कि भाई ये तो मेरा है, ठीक है, और आप कुछ नहीं कर सकते. तो अगर सरकार ऐसा की आपके साथ तो आप चुपचाप उसको भारतीय संविधान का राइट टू प्रॉपर्टी बता दीजिएगा. ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं. अब हम लोग राइट टू वोट इन इलेक्शन इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और डेमोक्रेसी का तो ये फंडामेंटल एलिमेंट है कि डेमोक्रेसी तभी सक्सेस करेगा जब आप अपना सिटीजन्स को राइट टू वोट दीजिएगा, है ना, राइट टू वोट की, वोट देने का अधिकार, है ना, तभी ना डेमोक्रेसी सक्सेस करेगा. आपका पास वोट देने का अधिकार ही नहीं है तो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, ठीक है, वो कैसे सक्सेस करेगा? नहीं करेगा. तो ये बेसिक एलिमेंट है फॉर एनी डेमोक्रेटिक कंट्री कि राइट टू वोट हो, है ना. ठीक है,
चलो अब आगे समझते हैं। Sometimes the expansion takes place in what is called human rights. जैसे कि पिछले लेक्चर में NHRC हम लोग कवर किए थे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो वहां पे क्या देखे थे कि कुछ बेसिक राइट्स बीइंग अ ह्यूमन है ना, इंसानियत के लिए है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल राइट्स व्हिच हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कि संविधान में लिखा गया हो, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल राइट्स, वन डॉक्यूमेंटल राइट्स, देयर इज द वन ऑल्सो नेचुरल राइट्स, दैट इज ह्यूमन राइट्स, कि बींग अ इंसान होने के नाते हमारे पास कुछ राइट्स है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन राइट। तो इसका एक्सपेंशन का आप बात करते हैं, ठीक है, तो इस टॉपिक पे आप देखेंगे हम लोग। तो क्या कहता है कि समटाइम्स द एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमन राइट्स, दीज आर यूनिवर्सल मॉरल क्लेम्स दैट मे और मे नॉट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। देखो बात समझना, वर्ड पर ध्यान देना, क्या बोला, दीज आर यूनिवर्सल मॉरल्स, क्या यूनिवर्सल मॉरल, मॉरल है, ठीक है, मतलब कि आपका नैतिकता है, ठीक है, कि आप किसी इंसान से इंसानियत की तरह पेश आए। जैसे कि मान लो कि कोई एक जैसे कि वर्न सिस्टम में आओ, वर्न सिस्टम का एग्जांपल हम देते हैं, ठीक है, वर्न सिस्टम पे आओ, वर्न सिस्टम था ना वो वाला 4 डिवीजन, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब वाला, तो वहां पे जो सबसे लास्ट डिवीजन था 4th, ठीक है, वो क्या था, शूद्र था, ठीक है, शूद्र था, शूद्र क्या था कि तीनों सेक्शन को सर्व करता था, तो जब से जो सबसे छोटा काम होता था, ठीक है, साफ सफाई हर एक कोई का वो ध्यान देता था शूद्र लोग, और अब हम उसको ये बोले, ठीक है, इनह्यूमिलेट करे कि अरे ये तो एकदम इस तरह का इतना छोटा काम करता है, इस तरह का काम करता है, इस बेसिस पे हम उसको बेइज्जत करें, उसका डिग्निटी का नीचे आए, तो ठीक है वो क्या होगा, इनह्यूमेनिटी होगा, और साथ साथ में इमोरल होगा, सही नैतिकता नहीं होगा, एट द एंड वो तो इंसान ही है ना, वो तो इंसान ही है, ठीक है, इंसान में भी हूं और इंसान वो भी है, तो एट द एंड वो इंसान है, तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए हम लोग को, ये तो एक मॉरल भी होना चाहिए कि हम लोग इंसानियत को ध्यान में रखें, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है और सारा रिलीजियस टेक्स्ट बुक भी यही कहता है, जितना भी कानून भगवान द्वारा भी बनाया हुआ है हर एक डिपार्टमेंट का, हिंदू डिपार्टमेंट, इस्लाम डिपार्टमेंट, क्रिश्चियन डिपार्टमेंट, ठीक है, सब डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर क्या देखा गया, ह्यूमैनिटी। तो हम लोगों को ये जो यूनिवर्सल मॉरल है इसके लिए काफी सेंसिटिव रहना चाहिए, ठीक है, ओपन माइंडेड रहना चाहिए। तो यही बोलता है, दीज आर यूनिवर्सल क्लेम्स डेट मे और मे नॉट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, ठीक है, क्योंकि मॉरल क्लेम है, नैतिकता की बात है, वो शायद संविधान और कानून में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि नैतिकता की बात है ना, जैसे जैसे समाज बदल रहा है वैसे वैसे जो नैतिकता है वो भी तो, उसका भी तो स्कोप जो है बढ़ रहा है ना, उसका भी तो स्कोप बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये ह्यूमन राइट्स का यहाँ पे बात करता है। फिर आगे देखते हैं, इन डेट सेंस दीज क्लेम्स आर नॉट राइट्स गोइंग बाय द डेफिनेशन डेट वी प्रेजेंटेड अर्लियर। अब देखो मॉरल राइट्स जो होता है ना, इसके साथ दुविधा क्या है कि इसके साथ रिटेन कुछ नहीं है डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये तो मॉरलिटी की बात है ना, रिटेन तो नहीं ना डॉक्यूमेंट। तो ये बोलता है, इन डेट सेंस दीज क्लेम्स आर नॉट राइट्स गोइंग बाय द डेफिनेशन डेट वी प्रेजेंटेड अर्लियर, विथ द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज ग्रेटर प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट दीज क्लेम्स, ठीक है, बट जैसे जैसे डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, तो आस्ते आस्ते वो जो भी गवर्नमेंट रहे उस पर एक प्रेशर रहता है कि वो मोरल को साइड नहीं कर सकता, ठीक है, उसे ध्यान में रखते हुए काम किया जाना चाहिए, ठीक है। Some international covenants have also contributed to the expansion of rights. जो covenants है मतलब कि convention जो होता है, ठीक है, convention अब क्या होता है ये बताना पड़ेगा। जैसे कि international level, global level पे
सबको ही मिले और एक बात किए, एक निष्कर्ष निकालें कि हाँ भाई ऐसा करना चाहिए विश्व में जिससे शांति रहे, सबका अधिकार रहे, ठीक है, क्योंकि एट द एंड हम लोग सब धरती पर रहने वाले वसिंदा हैं, ठीक है, इस तरह का बात होगा और कुछ अच्छा कंक्लूजन आएगा। तो उस तरह का जो असेंबली होता है उसको बोलते हैं कोवेनेंट्स, ठीक है। तो देखो, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स यहां पे दिया हुआ, इसका बारे क्या क्या हुआ था, ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, दिस इंटरनेशनल कोवेनेंट रिकॉग्नाइजेस मेनी राइट्स डेट आर नॉट डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या हुआ, बहुत सारे राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया जो कि बेसिकली फंडामेंटल राइट्स नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। दिस हैज नॉट येट बिकम एन इंटरनेशनल ट्रीटी, और ना ही अभी तक इंटरनेशनल ट्रीटी बना है, ठीक है, मतलब कि विश्व लेवल पे सब कोई इसको साइन किया हो, ठीक है। By human right activists all over the world see this standard of human rights, एक standard of human rights है, these include, अब इसमें देखो क्या क्या right का बात किया गया, right to work, opportunity to everyone to earn livelihood by working, है ना, सबको काम करने का अधिकार हो, right to safe and healthy working condition, ठीक है, सुरक्षित माहौल हो काम करने के लिए, फेयर वेजेस डेट कैन प्रोवाइड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज, सैलरी जो हो वो डिसेंट हो जिससे कि वर्कर अपना जीवन चला सके और उसका परिवार चल सके, राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग एडिक्वेट फूड क्लोथिंग हाउसिंग, ठीक है, तो आपका पास ये भी रहना चाहिए फूड क्लोथिंग हाउसिंग के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड रहे, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, आपका सोशल सिक्योरिटी रहे, सोशल सिक्योरिटी क्या, इंश्योरेंस, राइट टू हेल्थ, आपका हेल्थ पे ध्यान दिया जाए, मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिले, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, इक्वल एक्सेस टू हायर एजुकेशन, ये हो। तो अब तुम लोग ध्यान देना कि यहाँ पे जितना भी राइट लिखा गया है, देखो गवर्नमेंट सब चीज को इंश्योर करती है, ठीक है, गवर्नमेंट सब चीज को इंश्योर करती है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सब जो राइट्स है वो इंश्योर किया गया है, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो तुम लोग को हम बताए आर्टिकल के साथ वो तो अभी थोड़ा थोड़ा दिया हुआ ना, इनडेप तो देखे नहीं हो, इनडेप देखोगे ना तो आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ, उसमें बहुत सारा चीज है, राइट टू हेल्थ है, ठीक है, फिर तुम्हारा एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये सब बहुत सारा। तो फाइनली हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ये जितना राइट का बात किया सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर देखो, दस द स्कोप ऑफ राइट हैज बीन एक्सपेंडिंग एंड न्यू राइट्स आर इवॉल्विंग ओवर टाइम, नया नया राइट बन रहा, हम बताएंगे जैसे जैसे समाज में बदलाव आएगा राइट्स भी आपके लिए आएगा। They are result of struggle of the people, है ना, वो people का struggle का है result. New rights emerges as societies develop or as new constitution are made. The constitution of South Africa guarantees its citizens several kind of new rights. South Africa guarantee देता है नया नया rights को, जैसे कि right to privacy. So did citizens or their home कैन नॉट बी सर्च, देयर फोन्स कैन नॉट बी टैप्ड, देयर कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ओपन, ये राइट टू प्राइवेसी जो कि इंडिया में भी आपको मिलता है, राइट टू एन एनवायरमेंट डेट इज नॉट हार्मफुल टू देयर हेल्थ और वेलबींग, ठीक है, एक सुरक्षित एनवायरमेंट रहे, इकोलॉजिकल बैलेंस रहे, ये सब ठीक है, ये इंडिया में भी मिलता है, राइट टू हैव एक्सेस टू एडिक्वेट हाउसिंग इंडिया में भी मिलता है, राइट टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विस सफिशियंट फूड एंड वाटर, ठीक है, नो वन मे बी रिफ्यूज इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, इंडिया में भी मिलता है। तो यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल्स दिखाया है कि ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका में गारंटी किया हुआ है, तो अब ये सब राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी गारंटी किया हुआ है, ठीक है।
Many people think that the right to work, right to health, right to minimum livelihood and right to privacy should be made fundamental rights in India as well. Do you think? क्या आप ऐसा चाहते हैं? ठीक है, ठीक है, ये सब rights इंडिया में भी इंश्योर किया हुआ, लेकिन क्या आप इसको fundamental के रूप में देखना चाहते हैं? ठीक है, अब ये बात है क्वेश्चन वाली मार्क, क्वेश्चन मार्क। ऐसा राइट टू प्राइवेसी तो चेंज हो गया, ठीक है, पिछले साल हुआ राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, चलो ये चैप्टर कंप्लीट। अब यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स है जो आप लोग देखोगे, है ना, ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट। अब आई थिंक कि सिविक्स कंप्लीट हो गया ना, चैप्टर 5 इसका लास्ट चैप्टर था क्या? मुझे ध्यान में नहीं है इसका लास्ट चैप्टर था या नहीं था। डेमोक्रेटिक राइट्स फाइनली समाप्त। अगर ये लास्ट चैप्टर होगा सिविक्स का तो आप लोगों को बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, सिविक्स समाप्त हो गया है और आप लोगों पे पढ़ने का प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि जैसे कि अभी सीबीएसई का पिछले दिन देखे थे कि एक नोटिफिकेशन आया था, वो सिलेबस को 30% कम करने का बात किया है, रिड्यूस किया है, ठीक है, 30%। तो वो सीबीएसई अपने अनुसार जो भी चैप्टर्स कम करेगा वो तो करेगा ही, ठीक है, तो सिलेबस कम हो जाएगा। बट आपके लिए एडवांटेज क्या है कि इस विपरीत परिस्थिति में भी, ये कोरोना का टाइम में भी आपका सिलेबस छूटेगा नहीं कुछ, ये मेरा गारंटी है। SST में हम आपका कोई सिलेबस छूटने नहीं देंगे, बस आप लोग खाली साथ बनाए रखें कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ते जाए घर पे, ठीक है। हम लोग का पूरा टीम का यही ऑब्जेक्ट है कि सिलेबस छूटने ना दें, सारा चीज एक एक चीज पढ़ाएं और एक एक चीज समझाएं, ठीक है। तो चैप्टर समाप्त, नोट्स बनाइए, बढ़िया से मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए, संडे एंजॉय कीजिए, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे मंडे को, ठीक है, तो आज अपना होमवर्क सारा सलट लीजिए जितना पेंडिंग है, संडे एंजॉय कीजिए, फिर मिलेंगे मंडे को, है ना, चलिए ठीक है, बाय।